हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेडपुल मर्ज विद द माउथ का एक नया एपिसोड, जिसमें हम देखेंगे डेडपुल और जॉम्बिस को लड़ते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं एम एजेंट को, जो अपने सब कमांडर से पूछता है, सर मुझे अब लगने लगा है कि यहाँ पर आना एक मिस्टेक है। जिस पर सब कमांडर जवाब देता है, तुम्हें तो ये लग रहा है, लेकिन मेरा पूरा करियर ही मिस्टेक बन चुका है। मैं बिना उस जॉम्बी हेड के एम हाई कमांड नहीं जा सकता, तो मैं यहीं रुक कर उसे ढूंढूंगा या यहीं पर जान दे दूंगा। लेकिन तभी उसे दिखता है डेडपूल और उसे देखकर वो कहता है, देखो हमारे हाथ जैकपॉट लग चुका है। और तब वो आगे बढ़ते हुए सबसे कहता है, तो अगर कोई हर्ट होना नहीं चाहता तो सब लोग अपने हाथ अपने सर के पीछे लो। और तभी उसे पता चलता है कि उसमें से कुछ जॉम्बीज है, जिन्हें देखकर वो कहता है शूट करो उन्हें। और तब सारे एजेंट्स उन पर शूट करने लगते हैं। और तब एक ज़ॉम्बी कहता है, वो जो येलो सूट में है वो सारे ह्यूमंस है, इसका मतलब हमें फूड मिल चुका है। और ये सुनते ही वो सारे एम एजेंट्स भागने लगते हैं और उनके पीछे चले जाते हैं कुछ ज़ॉम्बीज, जिन्हें देखकर डेडपूल कहता है अच्छा हुआ, वो दोनों पार्टीज एक दूसरे को बिजी रखेंगी। लेकिन तभी दूसरा ज़ॉम्बी डेडपूल से कहता है, तो तुम मुझे भूल गए, मैं यहीं पर हूँ और बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। जिस पर डेडपूल कहता है, ओ अच्छा तुम इतने बड़े हो इसलिए तुम मुझे दिखाई नहीं दिए। और डेडपूल आगे कहता है, ये तो ताना था, तुम समझ नहीं सके। इस पर ज़ॉम्बी डेडपूल उससे कहता है, पीछे हटो ह्यूमन क्रशर और देखो मैं अब अच्छा सिटीजन बन चुका हूँ, तुम भी ये सब छोड़ दो। जिस पर वो ज़ॉम्बी कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन वो जो लिटिल गर्ल है वहाँ पर वो बहुत टेस्टी लग रही है, मैं शुरुआत उसी से करूँगा। जिस पर वेरोनिका मिसाइल लॉन्चर लेकर कहती है, मेरे बजाय इसे खाओ। उस मिसाइल से वो ज़ॉम्बी दूर जाकर गिरता तो है, लेकिन उस वजह से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और दोबारा उठते हुए वो कहता है, अच्छा खिलौना है लेकिन अब डिनर टाइम हो चुका है। तब डेडपूल वेरोनिका से कहता है, क्या मैं इस पी शूटर को कुछ देर के लिए रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे उस ज़ॉम्बी फ्रेंड के खूबसूरती में चार चांद लगाने हैं। इस पर वेरोनिका कहती है, ध्यान से क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। और तब वो आगे कहता है, और मैं एक डिटेल देना भूल गया, भागो। जिस पर भागते हुए डॉक्टर बेटी कहती है, मैंने ये टून उसके वॉइस में पहले भी सुनी है, इसका मतलब है वो कुछ बड़ा करने वाला है, तो भागो। लेकिन वेरोनिका कहती है, लेकिन उसका क्या, वो तो चुप बैठा है। इस पर डेडपूल कहता है, हम चुप है ना। इस पर उसकी आवाज़ उससे कहती है, हम चुप तो है लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा होने वाला है उनके लिए। डेडपूल के हाथ में वो लॉन्चर देखकर वो ज़ॉम्बी कहता है, तुम ये फिर से ट्राई करने वाले हो, अच्छा तो ठीक है इस बार मैं तैयार हूँ और तुम्हारी पॉप गन मेरे बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाएगी। तब एम कर रहे डेडपूल से उसकी आवाज़ कहती है, ध्यान से हमारे पास सिर्फ एक चांस है। जिस पर डेडपूल कहता है, चुप रहो मैं एम कर रहा हूँ। और वो अपना एम हटाकर उस खंभे पर लगाता है जो उस ज़ॉम्बी के पीछे था और मिसाइल फायर करता है, जिस पर ज़ॉम्बी को लगता है कि वो मिस हो गया और कहता है, तुमने वो मिस कर दिया। जिस पर डेडपूल कहता है, अच्छा तो देखो। और वो देखता है कि पूरी बिल्डिंग उस पर गिर रही थी। और ये सुनकर वो डेडपूल को गाली देता है, डेडपूल सन ऑफ। और तभी दूसरी तरफ वो पूरी बिल्डिंग गिरती देखकर सारे लोग वहाँ पर रुककर चौंक जाते हैं। ये देखकर सभी लोग वहाँ पर खड़े रह जाते हैं, जहाँ पर बेटी सबसे कहती है, हमें वहाँ वापस जाना होगा। लेकिन बिल कहता है, वहाँ वापस जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन उसे इंटरप्ट करके वेरोनिका कहती है, नहीं हमें जाना होगा क्योंकि हमारे शेल्टर का एंट्रेंस वहीं पर है, हमें वहां जाकर चेक करना होगा। और तभी उस मलबे से बाहर आता है डेडपूल उस मिसाइल लॉन्चर के साथ, जहां पर वो इतना ही कहता है, आउच। जिस पर उसकी आवाज़ उससे कहती है, तुम्हारी गैंग तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, तुम्हें उनके लिए कुछ चुटकुला तैयार रखना होगा, जैसे कि रियल स्टेट से रिलेटेड कुछ। जिस पर डेडपूल कहता है, देखो मैंने बिल्डिंग को मार दिया। और वो आवाज़ कहती है, हाँ ये सही रहेगा। और तभी जॉम डेडपूल उससे कहता है, हाँ तुमने मार दिया, तुम्हारे सिवा ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। तभी बेटी उससे कहती है, तुम जहाँ जाओगे वहाँ पर अपने मार्क छोड़ते जाओगे है ना। जिस पर डेडपूल कहता है, ये मेरे नेचुरल पर्सनैलिटी का रिजल्ट है जो कि डायनामिक है, और ये कुछ एक्सप्लोजिव्स का भी रिजल्ट है। जिस पर वेरोनिका उससे कहती है, तो तुम्हें कुछ बात तो है, एक ऐसा आदमी जो पूरे बिल्डिंग गिरने के बाद भी बच जाए उसका क्या कहना। जिस पर डेडपूल खुश होकर कहता है, लगता है वो हमें फिर से इंटरेस्टेड है। लेकिन तभी बिल कहता है, क्या वो जाइंट मेटल ड्यूड अभी भी वहीं पर है, हमें वहाँ जाकर आसपास देखना चाहिए।
बिल की बात सुनकर वेरोनिका कहती है, ये बेवकूफ सही कह रहा है, जो बिल्डिंग अभी अभी गिरी है उसने हमारे एंट्रेंस को पूरी तरह से दफना दिया है। हमारे हाइडआउट का दूसरा एंट्रेंस तो है, लेकिन वो छुपा हुआ है और कोड लॉक है। हमें नीचे जाकर यह पता करना होगा कि हमारे लोग मारे तो नहीं गए। जिस पर डेडपूल कहता है, मैं घूमने के लिए कोई चार्ज नहीं लगा था, लेकिन उसकी तरफ वॉकी टॉकी फेंकते हुए वेरोनिका कहती है, ये लो और हमारे साथ टच में रहना, शायद हम एक दूसरे की मदद कर पाए। जिस पर डेडपूल से उसकी आवाज़ कहती है, उसका मतलब है कि हम उससे टच में रहे जब वो बूटी कॉल करे। और जाते हुए वो कहती है, गुड लक गाइज, अगर खाए ना जाओ तो। जिस पर डॉक्टर बेटी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तो वो एक ही वुमन थी जो तुम्हारे साथ सो चुकी थी पूरे यूनिवर्स में। जिस पर डेडपूल की आवाज़ उससे कहती है, नहीं हमें ये नहीं करना, हमें डॉक्टर बेटी को जीतना है, धीरे धीरे ही सही लेकिन जीतना है। इस पर डेडपूल कहता है, तुम्हें ऐसा सच में लगता है? जिस पर उसकी आवाज़ उससे कहती है, नहीं। उन लोगों को जाता देखकर बेटी कहती है, ठीक है हम अब इस यूनिवर्स से बाहर निकलने का हमें कुछ रास्ता निकालना होगा। इस पर डेडपूल कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है। तो डेडपूल उससे कहता है, याद है सॉर्सरर सुप्रीम वू ड्यूड ने क्या कहा था, ये डायमेंशनल गेटवे थिंगी और ऑफ फिल्टर है टाइम और स्पेस के साथ। तो मैं श्योर हूँ कि मेरा सिर्फ सिर कटा सेल्फ मेरी बॉडी कटने से पहले उस गेटवे के बाहर मिल जाएगा और इससे हम वापस जा पाएंगे। सिर्फ हमें यह करना है कि हमें एक ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना है सर्टस विला में, जहाँ पर डॉक्टर बेटी कहती है, वापस उस स्वैंप में जाना, क्या बात है, तुम्हें लगता है हम वहाँ बच पाएंगे उस बड़े गंदे मॉन्स्टर से? तब डेडपूल को पता चलता है कि वो मैन थिंग के बारे में बात कर रही है। डेडपूल सबसे कहता है, ठीक है अब टाइम है लीडरशिप दिखाने का। बिल, अगर हमें कोई एयर ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो तुम उसे चला सकते हो? जिस पर बिल कहता है, ये डिपेंड करता है मॉडल पर। जिस पर डेडपूल कहता है, इसका मतलब मैं हाँ समझूंगा। तो हम पहले एयर ट्रांसपोर्ट चुराएंगे, हम स्वयं जाएंगे, अल्टरनेट वर्स काबू में करेंगे, मेरे जॉम्बी वर्जन को पकड़ेंगे और शॉर्टी की बॉडी उसे वापस देंगे बिना मैन थिंग को दिखाई दिए, उसे अवॉइड करके। इसमें क्या बुरा हो सकता है? जिस पर बेटी कहती है, रुको रुको रुको, अगर हम पोर्टल में गए भी तो इसकी क्या गारंटी है कि वो हमारे कमांड्स पर चलेगा, और इसकी क्या गारंटी है कि वो हमें हमारे डायमेंशन में ही ले जाएगा, किसी और डायमेंशन में ले गया तो? इस पर जॉम्बी डेडपूल कहता है, जब मैं तुम्हारे डायमेंशन में आया पहली बार तो तुम्हें सिर्फ ये करना है कि जाने से पहले मुझे सिर्फ आगे रखना है और तुम्हारे डायमेंशन में पहुंच जाओगे फिर से। इस पर डॉक्टर बेटी कहती है, तो ठीक है हमें बस अब एक ऑपरेशनल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है जो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इस पर डेडपूल एक कोमोड पर बैठकर कहता है, तो ठीक है मैं डायरेक्टरी असिस्टेंट को कॉल करता हूँ। उसी दौरान एम एजेंट्स जो भाग रहे थे वो अपने लीडर से कहते हैं, सर उन्होंने बहुत सारे लोगों को खा लिया है, हम अब ज़्यादा देर बचने नहीं वाले। जिस पर सब कमांडर कहता है, अभी हिम्मत मत हारो, अभी भी हम बच सकते हैं। लेकिन तभी ज़ॉम्बी एक एक करके सारे लोगों को खाने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग उन्हें छोड़ने की भीख तो मांगते हैं लेकिन वो फिर भी बच नहीं पाते। और तब एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब अगले तुम हो। और तभी दूसरी तरफ डेडपूल कहता है, ये देखो हमारे पास हमारी राइड तैयार है। जिसे देखकर बिल कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, मैंने इस टाइप का कभी कुछ नहीं उड़ाया और जब तुमने कहा कि तुम कुछ करोगे तो मुझे लगा कुछ नॉर्मल होगा। जिस पर डेडपूल कहता है, नॉर्मल लोग ही नॉर्मल चीज़ें करते हैं। और तब वो डॉक्टर बेटी को देखता है अपने पोलो विजन में, जिसे बाहर आकर वो पूछता है, तुमने क्या कहा? तब डॉक्टर बेटी कहती है, इस बार मैं इसके साथ सहमत हूँ, हमें जेट चाहिए था। इस पर डेडपूल कहता है, अब कोई डिस्कशन नहीं, ये परफेक्टली गुड ट्रांसपोर्टेशन है। जहाँ पर हम देखते हैं एक फ्लाई कैरियर को, जिसमें बैठकर डेडपूल, बिल, डॉक्टर बेटी और जॉम्बी डेडपूल जा रहे थे, जिन्हें देख देख रहे थे एम सब कमांडर और एक एम एजेंट। जहाँ पर सब कमांडर उससे कहता है, मुझे शूट कर दो। और आगे जाकर वो फ्लाई कैरियर टकराता है एक बिल्डिंग से, जहाँ पर डेडपूल बिल से कहता है, मुझे लगा तुम्हें ये चलाना आता है। और तभी बेटी कहती है, गाइज हमें कंपनी देने कोई आ रहा है। और तब हम देखते हैं दो लोगों को जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे।